अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेविंसी रिजॉल्व के एक एरर का सलूशन बताऊंगा। यहाँ पर मैंने डेविंसी रिजॉल्व 18 को इंस्टॉल किया है और जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे ये वाला एरर देखने को मिलता है। पहले इसको लोड होने दें, फिर मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि मुझे वो एरर आ रहा है और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक GPU कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग का एरर देखने को मिल रहा है और नीचे लिखा हुआ कि अपने NVIDIA ड्राइवर्स को अपग्रेड करें। आप लोगों का ये एरर परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा और आपको NVIDIA ड्राइवर्स को अपग्रेड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने डेविंसी रिजॉल्व सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि मेरे पास डेविंसी रिजॉल्व स्टूडियो 18 इंस्टॉल है। आप लोगों के पास अगर कोई प्रीवियस वर्जन भी इंस्टॉल है तो उसके लिए भी सेम ही सोल्यूशन है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हमारे पास ये GPU कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग आ चुकी है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंस्टॉल्ड NVIDIA ड्राइवर्स डजंट सपोर्ट, और नीचे ये भी लिखा हुआ है कि NVIDIA ड्राइवर्स को अपग्रेड करें। तो आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ अपडेट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करें तो आप लोगों के सामने ये वाली टैब ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको मेमोरी एंड GPU का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को GPU कॉन्फ़िगरेशन में ये दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ये दोनों ऑटो के ऊपर सेलेक्ट होंगे। इन दोनों ऑप्शंस को यहाँ से डीसेलेक्ट कर दें। जब इनको आप लोग डीसेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों का ये वाला ऑप्शन खुदा खुद एनेबल हो जाएगा। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये दोनों ऑप्शंस चेक होते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का GPU यूज़ नहीं होता। तो आप लोगों को सिंपली इनको अनचेक करना है। उसके बाद यहाँ से सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ से इसको ओके कर दें। अब सिंपली अपने डेविंसी रिजॉल्व को दोबारा से स्टार्ट करें तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एरर सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है और यहाँ से आप लोग अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और इसको अपडेट करना चाहें तो कर लें। फिलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूँ, लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि हमारा एरर सक्सेसफुली सॉल्व हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।